अलैकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास है 7th की, सब्जेक्ट है इंग्लिश। और जब हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था मैकबेथ, उसके एक्सरसाइजेस हमने किए हैं कुछ कल वाले क्लास में और कुछ आज किए हैं। आज जो हमने किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4 से, हाउ डिड शी हेल्प मैकबेथ इन मर्डरिंग किंग डनकन। और उसका आंसर हमने लिखा है, लेडी मैकबेथ गिव सपोर्ट एंड कॉरेज टू हर हस्बैंड एंड ऑल्सो मेक द प्लान हाउ टू मर्डर द किंग डनकन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वेयर द ओनली पॉसिबल विटनेस ऑफ द मर्डर। इस कत्ल के गवाह कौन थे जो मैकबेथ ने किया था कत्ल किंग डनकन का, बादशाह का, उसके गवाह कौन थे। इसका आंसर हमने लिखा है, द विटनेस ऑफ द मर्डर वायर ग्रूमर्स, उसके जो गार्ड्स थे या जो उसके घोड़ों की रखवाली करते थे बादशाह के, वही दो आदमी इस कत्ल के गवाह थे जिन्होंने मैकबेथ को देखा था कत्ल करते हुए। फिर 6th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टू प्रिंसेस एस्केप फ्रॉम द स्कॉटलैंड। ये जो बादशाह के दो बेटे थे किंग डनकन जो है, उसको उसके दो बेटे थे, वो स्कॉटलैंड छोड़ के क्यों भागे थे, वो वहाँ से भाग के क्यों गए थे। और इसका हमने आंसर लिखा है, व्हेन द प्रिंसेस केम नो दैट ग्रूम्स वेयर मर्डर्ड बाय मैकबेथ दे एस्केप्ड स्कॉटलैंड ड्यू टू फेयर। जब उन्होंने प्रिंसेस ने बादशाह के दो बेटों ने जब देखा कि उनके बाप को भी कत्ल कर दिया गया है और जो वो ग्रूम्स थे उसके जो गार्ड्स थे वहाँ पे उनको भी मार दिया गया है, तो वो डर गए। उन्होंने सोचा कि जिसने हमारे बाप को मारा है या जिसने इन ग्रूम्स को मारा है वो हमें भी मार देगा शायद, इसलिए वो स्कॉटलैंड छोड़ के भाग गए थे वहाँ से। आज बस इतने ही क्वेश्चन हैं।